सरपंच मग्याराम देवासी, ग्राम पंचायत जूना पत्रा सर। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी ग्रामवासियों को और देशवासियों को। सूखे रंग का उपयोग करें और कोरोना महामारी के दौरान सावधानी बरतें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन करें। नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत जूना पत्रा, जहाँ से निर्वाचित हुए थे सरपंच मेगाराम जी देवासी। इनसे जानेंगे इनके क्या विकास के वादे हैं, क्या क्या जनता को जे अपने कार्यकाल के दौरान विकास कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इनसे जानते हैं क्या क्या विकास के वादे हैं। तो सर, पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका पूरा परिचय। सर, मेगाराम देवासी, सरपंच ग्राम पंचायत जूना पत्रा सर। सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सूखे रंग का उपयोग करें। कोरोना महामारी के दौरान सावधानी बरतें। राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों का पालन करें। सर, आपके छोटे से कार्यकाल के दौरान, अभी चल रहा है आपका कार्यकाल, तो मैं जानना चाहूँगा आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए। सर, हाल अभी तक तो हमने छोटे से एक दो तीन पाइप लाइने बिछाई है और प्लस सड़कें टोंकों का निर्माण कार्य चल रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत में अभी एक बांध की आवश्यकता है। बांध बहुत बड़ा बांध है, उसमें जूना पत्रा सर और बाड़ेरा और रौनी गांव तीन पंचायतें जुड़ती है। एक प्राचीन समय में ये बांध बहुत बड़ा बना हुआ था, अभी वो दो साल तीन साल पहले टूट गया है। उसके बाद अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया हुआ है और ग्राम पंचायत के बजट से इतना बड़ा बांध बन नहीं सकता है। तो ये निर्माण कार्य विधायक महोदय या सांसद महोदय इसके बजट से राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसका एक्शन ले तो हजारों लोगों की इससे पीने की पानी की सुविधा हो सकती है, प्लस सिंचाई विभाग हो सकता है, ये काम हो सकता है इतना बड़ा। सरपंच साहब, आगामी आपके क्या क्या प्लान हैं, क्या क्या विकास की योजनाएं हैं आपके पास? हमारे सबसे पहले तो नरेगा की योजना है। नरेगा में नाडियाँ हैं, टाँके है, सड़कें है, कोई छोटी बड़ी नाली है, सीसी सड़कें है, ये और बाकी तो कोई सामान्य काम है, शिक्षा के लिए या क्या है, सड़कें है, पानी है, इसकी व्यवस्था के लिए हमारे गाँव। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूँगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं आती है लेकिन ग्रामीण अंचल में ग्राम पंचायत के लोगों तक, कई नागरिकों तक नहीं पहुंच पाती, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये है कि गांव में हर योजना का लाभ मिले और हर घर तक पानी है, बिजली है, सड़कें है, इस सब का लाभ मिले। और हमारी यही कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना हो सका इतना ज़्यादा काम करवाएंगे। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे, जनता आपसे क्या उम्मीद रखे कि विकास कार्य कितने समय में पूरे हो जाएंगे आपके? हमारे यहाँ तो लगभग 2023 तक लगभग पूरा काम, पानी है, सड़कें है, सब काम हो जाएगा पूरा। होली का त्यौहार आ रहा है, देशवासियों के साथ साथ जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना की सावधानी बरते और सभी को होली की शुभकामनाएं और राम राम साहब। धन्यवाद। जय थे हमारे साथ जूना पत्रा सर, ग्राम पंचायत के सरपंच मेगाराम जी देवासी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास किया जाएगा। साथ ही इन्होंने बताया कि जहां प्राचीन काल में जो बांध बना हुआ था वो किसी कारणवश टूट गया है, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या लोकल प्रशासन चाहे और इनकी मदद करे जिससे बांध का निर्माण हो, जिससे हजारों की संख्या में जो यहाँ के लोग हैं जो पेयजल उनको मुहैया हो और सिंचाई के साथ साथ पेयजल के साथ साथ सिंचाई पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो बांध है इसका निर्माण हो, जिससे हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हैं उनको इस बांध से लाभ मिले। देखते रहें डीपी के न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन गोदन के साथ।